नमस्कार, मैं हूं आचार्य आशीष कुमार नाइक। आप सभी को हमारा YouTube चैनल महर्षि पाराशर वैदिक ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे रुद्राक्ष के बारे में। और जो रुद्राक्ष आता है, ये एक प्राकृतिक फल होता है रुद्राक्ष, जो कि भगवान शिव को सबसे पसंद है। रुद्राक्ष में ऐसा ही माना जाता है, जो लोग रुद्राक्ष धारण करता है उनको हर कष्ट मिट जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। रुद्राक्ष में ये एक नेचुरल फल होता है, जो कि रुद्राक्ष का फल होता है वो इसी में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष मिल जाता है। रुद्राक्ष में सबसे पहला मुख जो आता है वो एक मुखी का रुद्राक्ष आता है। एक मुखी का रुद्राक्ष इस चंद्र की जैसा आकृति बनाता है और इसी में एक ही धार रहता है रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष ये सूर्य भगवान का होता है। ज्योतिष शास्त्र में रुद्राक्ष को ग्रहों का पीड़ा को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो रुद्राक्ष आता है, एक मुखी का रुद्राक्ष, वो होता है भगवान सूर्यदेव का। सूर्यदेव किसी भी कुंडली में खड़ा हो, सूर्यदेव किसी भी लगन में कोई भी बैड रिजल्ट देता है, वो उन लोगों के लिए एक मुखी का रुद्राक्ष धारण किया जाता है। और दूसरा बात आता है, जिन लोगों की कुंडली सिंह लगन की कुंडली हो, यानी सूर्यदेव उसी कुंडली में जोग कारक ग्रह गिने जाते हो, और सिंह लगन हो या सिंह राशि हो, इसी लोग के लिए एक मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और सूर्यदेव का जो बैड इफेक्ट होता है, जिन लोगों का माइग्रेन का पेन होता है, हेडेक होता है और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा वीक हो जाता है, पिता के साथ संबंध बनता नहीं है और डाइजेशन सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, हाड़ियों में प्रॉब्लम रहता है, इन लोगों के लिए, जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के लिए एक मुखी का रुद्राक्ष सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया होता है। बातें करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दो मुखी का रुद्राक्ष ये भगवान शंकर का सबसे प्रिय माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब है, जिन लोगों का वृषभ राशि होता है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होते हैं, और इसी वृषभ राशि में जो लोग दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको तो और भी बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा भी माना जाता है, जिन लोगों का कर्क राशि बनता है, कर्क लगन बनता है, वो दोनों राशि और लगन ये चंद्रमा के लिए बेहतर है, और चंद्रमा उसी राशि में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देता है, और वो लोग चंद्रमा के लिए दो मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। साथ साथ और एक बात, जिन लोगों का चंद्रमा खराब है उन लोग भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। जिनको साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आता है, जिन लोगों को थोड़ा सा घबराहट रहता है, मन में पीड़ा रहता है, इन लोगों के लिए और बहुत बेहतर रिजल्ट, काफ़ी बेहतर रिजल्ट दो मुखी रुद्राक्ष देता है। नेपाल का रुद्राक्ष सबसे अच्छा और बेहतर माना जाता है। साथ में बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष को लेकर। तीन मुखी का रुद्राक्ष मंगलदेव का होता है। और जिन लोगों का मंगल कुंडली में खराब है, मंगल काफ़ी बुरा रिजल्ट देता है, जिन लोगों का मंगल दोष बनता है कुंडली में, जैसा कि अंगारक दोष भी आ जाता है कुंडली में, उन लोगों के लिए तीन मुखी का रुद्राक्ष सबसे अच्छा और बेहतर माना जाता है। साथ में बात करेंगे जिन लोगों का मेष राशि होता है और वृश्चिक राशि होता है, इन दोनों राशि में मंगल उन राशि माना जाता है, ये मंगल का राशि माना जाता है। जब भी मंगल इसी दो राशि में अधिपति बनते हैं, उन्हीं लोग, उसी राशि वाले लोग और उन्हीं लग्न वाले लोग ये तीन मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो भी रुद्राक्ष धारण करें, भगवान शिव के मंदिर पर जाइए, भगवान शिव के पास उनको प्राण प्रतिष्ठा करके गले में धारण करिए। साथ में बता देता हूँ, अगला वाला जो रुद्राक्ष आता है नवग्रह के लिए, वो चार नंबर का रुद्राक्ष जो आता है, चार मुखी रुद्राक्ष माना जाता है, और नंबर 4 धार रहता है उसी में, और हर धार हम गिनेंगे तो 4 धार आता है। और चार मुखी का रुद्राक्ष ये बुध के लिए होता है। जिन लोग की कुंडली में बुध काफ़ी ख़राब है, बोलने में दिक्कत आता है, कोई काम को ये भूल जाते थे, और छोटे छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए बुध का रुद्राक्ष, चार मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष सबसे पवित्र माना जाता है।
और भगवान शिव का आशीर्वाद भी माना जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष जो लोग के लिए जिनका राशि मिथुन बनता है और कन्या राशि बनता है, बुध उनका स्वामी ग्रह बनते हैं, इसलिए उन दोनों राशि के लिए चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे बेहतर माना जाता है। और साथ में बात करेंगे पांच मुखी रुद्राक्ष को लेकर, और पांच मुखी रुद्राक्ष ये देवगुरु बृहस्पति के लिए होता है। और देवगुरु बृहस्पति जिन लोग की कुंडली में खराब है, जैसा कि चांडाल योग बनता है कुंडली में, और देवगुरु बृहस्पति देव खराब होने से लोग का रूटीन लाइफ भी खराब हो जाता है, और मान सम्मान में भी कमी आ जाता है, मोटापा भी बढ़ जाता है, लीवर में कमजोरी आ जाता है, और इसी लोग को हम पांच मुखी का रुद्राक्ष देते हैं। और जिन लोग का धनु राशि होता है और कन्या राशि होता है, धनु राशि सॉरी कन्या नहीं है, धनु राशि और मीन राशि होता है, धनु एंड मीन ये दोनों राशि में बृहस्पति देव को ओन साइन मानते हैं, बृहस्पति देव उनका लॉर्ड होते हैं, अधिपति बनते हैं, और इसी दो राशि में पांच मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा और बेहतर माना जाता है। और बृहस्पति देव को कुंडली में ठीक करने के लिए पांच मुखी का रुद्राक्ष भी धारण किया जाता है। और साथ में बात करेंगे छह मुखी रुद्राक्ष को लेकर, छह मुखी रुद्राक्ष शुक्रदेव का होता है और सबसे पवित्र रुद्राक्ष भी माना जाता है शुक्रदेव का रुद्राक्ष। और शुक्रदेव जब भी कुंडली में अस्त हो, नीच हो या बकरी हो, उनके लिए तो सदैव छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ में छह मुखी रुद्राक्ष में और भी एक बातें हैं जो हर प्रकार का ऐश्वर्य शुक्र से मिलता है, सुख मिलता है, वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन बनता है, जो लोग प्रेम संबंध में रहते हैं, शुक्र उनका मजबूत होना जरूरी है। जब भी शुक्रदेव कर कुंडली में कोई दिक्कत आता है तो उन लोग को छह मुखी का रुद्राक्ष धारण किया जाता है। और जिन लोगों का वृषभ राशि बनता है और तुला राशि बनता है, ये दोनों का राशि में शुक्रदेव सबसे बेहतर होते हैं, और इसी राशि और लग्न वालों के लिए छह मुखी का रुद्राक्ष सबसे बेहतर फायदेमंद होता है। साथ में बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष को लेकर, सात मुखी रुद्राक्ष सेवन धार होते हैं उसी में ऑल एरिया में, और इसी रुद्राक्ष को शनिदेव का रुद्राक्ष माना जाता है। साथ में शनिदेव कुंडली में जब खराब स्थिति में है, शनिदेव से काफ़ी दिक्कत परेशानी आता है, बहुत बार शनिदेव खराब होने से बहुत सारा मान सम्मान में हानि होता है, दुख मिलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसी में शनिदेव का प्रभाव को खराब प्रभाव को कमाने के लिए सात मुखी का रुद्राक्ष धारण किया जाता है। जब भी सात मुखी का रुद्राक्ष आप धारण करेंगे आपका शनिदेव ठीक हो जाएगा। जिन लोग का कुंभ राशि होता है, मकर राशि होता है, उन लोगों के लिए और उसी मकर और कुंभ दोनों लग्न के लिए शनिदेव का रुद्राक्ष धारण करना सबसे बेहतर माना जाता है, वो लोग सदैव के लिए धारण कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे आठ मुखी और नौ मुखी ये दोनों राहु और केतुदेव का होता है, जैसा कि राहु और केतुदेव का ऐसे में मान्यता नहीं होता है ज्योतिष शास्त्र में, और ये दोनों रुद्राक्ष राहु और केतु को ठीक करने के लिए होता है। आज इतना ही, रहता हूँ, नमस्कार।